हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको G4 पवेलियन मदरबोर्ड में ये क्या नाम अपना वाइट स्क्रीन आ रहा है और इसके बाद में कंपोनेंट चेक करना 19 वोल्ट सप्लाई कहाँ पे आता है और इसके बारे में बताऊंगा जो ये वोल्टेज सप्लाई कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये है DC मशीन, ये है CRO, ये है मेरा मदरबोर्ड G4। तो मदर मशीन को स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा LCD का केबल, हम केबल को इन कर देते हैं। केबल लगा दिए हैं। ये है DC कनेक्टर है जो लैपटॉप के जैक में लगेगा यहाँ पे। जैसा कि देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये मैंने जैक कनेक्ट कर लिया है और ये मेरा DC मशीन है। अब इसको हम आउटपुट देंगे, हमने आउटपुट दे दिया है। अब ये एम्पियर आ गया है, बढ़ेगा। ये देखिए 33 यानी कि 19 वोल्ट सप्लाई सही है, ओके है। और जो 19 वोल्ट में प्रॉब्लम होगा तो ये लाइट नहीं जलेगा, यानी कि 19 वोल्ट हमारा ओके है। तो हम चलिए ऑन करके इसको देखते हैं। मदरबोर्ड को पावर बटन है, इसको हम ऑन कर दिए हैं। मदरबोर्ड मेरा ऑन हो गया है। ये मेरी स्क्रीन है, ये देखिए स्क्रीन वाइट आ रही है। तो हम इसको ट्रेस करेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको ट्रेस करना बताते हैं। ये मेरा CRO, ये पॉइंट देखिए, CRO का पॉइंट 0 एकदम सही चल रहा है उसी। अब हम ट्रेस करते हैं। CRO की निब है, हम स्क्रीन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद ट्रेस करते हैं। मेरा मदरबोर्ड ऑन है, ये देखिए हमारा ये है IOIC। यहाँ पे लगाने के बाद देखिए वोल्टेज, 3 वोल्टेज दिखा रहा है यहाँ पे, 3 वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है, 3 वोल्टेज। इसकी BIOS चेक करेंगे, BIOS पे कितना वोल्ट आ रहा है। देखिए रैम सेक्शन है, ये हमारा BIOS है, यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए इसमें डाटा बन रहा होगा, ये हमारी 8 पिन है। ये देखिए CRO में देखिए इसका डाटा बन रहा है। और ये नेक्स्ट पिन पे देखेंगे वोल्टेज आएगा यहाँ पे, देखिए वोल्टेज ये है BIOS। ये देखिए हमारा ये 4 वोल्ट से जो सप्लाई बन रहा है यहाँ पे, देखिए 3-5-6 कॉयल है, ये 5 वोल्टेज है, ये 3-5-6 कॉयल है दोनों। यहाँ पे देखिए डाटा बन रहा है, इस कॉयल पे देखिए डाटा बन रहा है, देखिए हमारे यहाँ सप्लाई और भी जा रहा है। ये 5 वोल्ट का कॉयल है और ये वाला 3 वोल्ट का कॉयल है। ये देखिए इस पर 3 वोल्टेज बन रहा है, इससे भी डाटा एकदम ओके, सही सब सही से डाटा बन रहा है। ये मेरी MOSFET है, इस पर 28 वोल्ट बनता है, 19 वोल्ट इस पर 28 वोल्ट बनेगा, इससे 19 वोल्ट बनेगा सोर्स और ड्रेन पे। ये देख लीजिए ड्रेन पे 19 वोल्ट बन रहा है और इस पर 28 वोल्ट बनेगा इसके। फ्रेंड यहाँ पे जो है सप्लाई नहीं आ पा रहा है अपने DC केबल के पास में, जो 3-5 की सप्लाई हो रही है 3 वोल्टेज की। ये देखिए अपने यहाँ पे देख सकते हैं एक कैपेसिटर लगा होता है यहाँ पे, वो कैपेसिटर